फ्रेंड्स, आज की वीडियो बताऊं कि आप ग्रो ऐप का सिर्फ यूज करके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं जिससे आप अच्छा खासा रिटर्न कमा ले इन फ्यूचर में, तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप जो है ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे SIP करेंगे। अगर आप एक बार इन्वेस्ट करके और आप अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं, कैसे कमाएंगे, वो भी तरीका आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में SIP कर लें, तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, SIP करने के लिए आपको ग्रो ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, होम पेज पे आपको नीचे देख सकते हैं, दिखाई दे स्टॉक दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है, बिल दिखाई दे रहा है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इसलिए आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं, एक्सप्लोर दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, SIP दिखाई दे रहा है, वॉचलिस्ट दिखाई दे रहा है। आपको जो यहाँ पे डैशबोर्ड में जो कुछ रहेगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपने जो कुछ भी SIP करके रखे रहेंगे वो सब SIP यहाँ पे दिखाई देगा, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना क्या होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो कुछ आपको वॉचलिस्ट होगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे मैं एक्सप्लोर पे क्लिक कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा पॉपुलर फंड दिखाई दे रहा है। ये सब जो पॉपुलर फंड आपको यहाँ पे दिखाई, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, क्वांट स्मॉल हो गया, ये सब जो यहाँ पॉपुलर फंड है। आपको जो दिखाई दे ऑल म्यूचुअल फंड, आप यहाँ पे क्लिक करके जितने कंपनी है पॉपुलर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, आदित्य हो गया, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। जिस भी कंपनी भाई इन्वेस्ट करना हो म्यूचुअल फंड में, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। आपको नीचे आ जाते हैं, आपको दिखाई दे कलेक्शंस दिखाते हैं। अगर आप हाई रिटर्न वाला चाहते तो आपको यहाँ पे जो दिखा हाई रिटर्न आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपए से SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 100 जो दिखाई दे SIP विद 100 आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग को बचाना चाहते तो आप यहाँ पे टैक्स सेविंग पे क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं सेव अप टू यहाँ पे देख सकते हैं 46,800 अंडर यहाँ देख सकते हैं 80 करोड़, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे टैक्स सेविंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मिड कैप वाले कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप में कर सकते हैं। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा फंड्स बाय ग्रो, जो ग्रो द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जो दिखाई दे रहा व्यू ऑल पे क्लिक करके आपको ये सब कंपनी दिखाई दे रहे हैं आपको ग्रो का, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। यहाँ पे जो दिखाई ट्रैक फंड, अगर आप फंड का ट्रैक करना चाहो, फंड का ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आप लाइव करना चाहो NFO लाइव भी कर सकते हो। NFO का आपको जो दिखाई दे रहा है न्यू फंड ऑफरिंग जो दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो फंड का, तो कंपेयर भी आप कर सकते हो। SIP यहाँ पे कर सकते हो, कैलकुलेट वगैरह इस तरीके से। आपको नीचे चलेगा दिखाई देता है ऑल म्यूचुअल फंड दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब म्यूचुअल फंड का जो एक जगह आपको दिखाई दे रहा है। राइट साइड में इसका रिटर्न दिखाई दे रहा है, 3 साल का रिटर्न दिखाई दे रहा है। आप यहाँ इसके बढ़ा भी सकते हैं, जिससे मैं बढ़ा देता हूँ, 5 साल का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का रिटर्न इतना देगा आपको दिखाई। आप जिसमें इन्वेस्ट करना भाई उसमें आप इन्वेस्ट करके इन फ्यूचर अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। आपको जैसे आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आदित्य बिरला ही है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आगे का प्रोसेस सबके लिए सेम है, जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे सब में करना होगा। जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ वगैरह देख सकते हैं, इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है 3 साल का। अगर आप 1 महीने का ग्राफ देखें तो 1 महीने का ग्राफ इस तरीके से निगेटिव दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे 6 महीने ग्राफ देखें, 6 महीने ग्राफ देख सकते इतना दिखाई दे रहा है। आप 6 महीने 13.37% का रिटर्न दिया है। 1 साल में देख सकते इतना 78.87% का रिटर्न दिया है। 3 साल का देख सकते हैं 42.84% का रिटर्न दिया है। आप इसका रेटिंग देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे कम से कम जो 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, अधिकतम जितना भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको जो करना है 100 रुपए का आप यहाँ पे SIP कर सकते हो। फंड साइज जो दिखाई दे रहा है आपको 5,823 करोड़ दिखाई दे रहा है। इतना रुपए जो लोगों ने आपको यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है रिटर्न कैलकुलेटर, अगर आपने इसे कैलकुलेट करना चाहो कि मैं इतना रुपए अगर इन्वेस्ट करूंगा कितना मिलेगा,
आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आपको पहले चूज करना होगा कि मंथली SIP करना चाहते हैं कि वन टाइम चूज करना चाहते हैं। जैसे मंथली चाहते हैं तो मंथली अगर आपने 5,000 रूपए इन्वेस्ट करते हैं आपको 6 महीना जो रिटर्न मिलेगा 31,211 रूपए आपको रिटर्न मिलेगा। परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है 4.03% का रिटर्न आपको मिलेगा ये 6 महीना में आपको दिखाई। इसी तरीके से आप इसको बढ़ा करके अपने साथ कर सकते हैं। 25,000 करते हैं तो आपको 156,055 रूपया जो है आपको रिटर्न मिलेगा आपको 6 महीना में। इस तरीके दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे होल्डिंग जो दिखाई दे होल्डिंग जो कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई दे जैसे स्टेट बैंक वाला इतने परसेंट का देगा अगर आपसे होल्डिंग करना चाहे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन रेशियो जैसे हो गया एग्जिट लोड हो गया टैक्स हो गया अगर आप ये सब चीज चेक करना चाहते देखना चाहते आप ये भी देख सकते जो सही चीज है आपको देखने का आप यहाँ पे रोपे क्लिक कर लेंगे आपको एक्सपेंशन रेशियो जो दिखाई दे 0.49% का दिखाई दे रहा है। एग्जिट लोड जो दिखाई दे रहा है 1% का दिखाई दे रहा है जो कि सही है। आपको इस तरीके से सब कुछ इसका चेक कर लेना है। फंड मैनेजमेंट जैसे आपको इस तरीके चेक कर लीजिए आप यहाँ पे जैसे अदर प्लान इन दिस सेम फंड इस फंड में जो दूसरे प्लान आ रहे हैं आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इस तरीके से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आप इसे म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं वन टाइम SIP आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है वन टाइम करना चाहते हैं स्टार्ट SIP करना चाहते हैं। अगर स्टार्ट SIP पे क्लिक करते हैं तो आपको मंथली दर मंथली जो है पेमेंट करना होगा। अगर आप वन टाइम पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बार में जो भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 1,00,000 जितना है इन्वेस्ट कर देंगे आपको उतने साल बाद जो है आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको जैसे 1,000 चाहते 2,000 चाहते 2,000 कर सकते इस तरीके से आप वन टाइम के लिए करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मंथली दर मंथली अपना इन्वेस्ट करूं तो मंथली दर मंथली भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो मैं बैक हो जाता हूँ जो ये स्टार्ट SIP आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली दर मंथली। कम से कम आप 100 रूपए कर सकते हैं अधिकतम जो भी करना आप यहाँ पे कर लीजिए। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है SIP डेट दिखाई दे रहा है आप किस तारीख को इस पेमेंट को करना चाहते हैं आप ये डिसाइड कर लीजिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिखाई दे रहा है 10 तारीख को आपको करना होगा प्रत्येक 10 तारीख को अगर करना होगा पेमेंट करना होगा। आपको यहाँ पे अपने अनुसार अगर दूसरा आप चाहते हैं दूसरा डेट तो भी चूज कर सकते हैं। आप जो दिखाई 10th ऑफ एवरी मंथ आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए अपने अनुसार डेट सेलेक्ट कर लीजिए किस तारीख को आपको पेमेंट करना है जो SIP कर रहे हैं। आप अगर पगार पेमेंट जो है भाई 10 तारीख को आता है तो आप 12 तारीख 14 तारीख को ही सेलेक्ट करिए जिससे आप जो आपका पेमेंट अगर 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत ना आसानी से आप जो SIP स्टार्ट किए हैं उसके लिए पेमेंट कर सके। आप जैसे यहाँ पे 14 तारीख करना चाहिए 14 तारीख कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल सा अपडेट पे क्लिक करना होगा आपको इस तरीके से आ जाएगा। आपको यहाँ देख सकते हैं 14 को करना होगा हर 14 तारीख को हर महीना के 14 तारीख को पेमेंट करना होगा। आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको स्टार्ट SIP आपको यहाँ पे स्टार्ट SIP पे फिर क्लिक कर लेना है। स्टार्ट SIP पे क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल में जो है OTP आएगा आपके जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें OTP आएगा। आप यहाँ पे इस तरीके से OTP आते आपको यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा देख सकते हैं। आपको जो दिखाई दे पे 100 पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपको जो सक्सेसफुली हो जाएगा वैसे आपको 100 रूपए का SIP हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि हमने जो SIP किया है कहाँ पे दिखाई देगा तो आपको देखने के लिए आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। आपको जो ऊपर दिखाई दे रहे SIP आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो भी SIP हुआ रहेगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा कितने रुपए के SIP कर रहे हैं कितने साल का कर रहे हैं कितना रिटर्न दिखाई दे रहा है। इस समय इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसे कंप्लीट होने में प्रोसेस 24-48 घंटा लगता है। 24-48 घंटा बाद जो है यही SIP में आपका शो करने लगेगा दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से आप जो ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में जो है SIP कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।